जिम का सारा वर्कआउट तो नीचे डांडे करते करते हो जाएगा। पोपट हो गया, आप सबको पता है पोपट क्या हुआ है, हमारे टेंट वाले भैया थे उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया। तो गाइस एक दिक्कत पता है क्या होगी, एक दिक्कत ये होगी कि ना उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया कि टेंट नहीं लग पाएगा। तो गाइस आज हम बहुत ही सुंदर सूट पहनने वाले, पहले ना हम लोग लहंगे पहने थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह के बज चुके हैं 11, उठ चुके हैं और मेरे साथ ये हो रहा था, मैं दो दिन से ना सोई नहीं, दो दिन में लगा लूं मैं सिर्फ 8 घंटे सोई थी, 4 घंटे एक बार 4 घंटे एक बार। कल रात मैंने अपनी जो नींद है पूरी करी, अगर पूरी नहीं करती ना तो आज का जो डांडिया का प्रोग्राम है, आज का जो डांडिया का फंक्शन है, उसकी तैयारियां नहीं कर पाती। और गाइस मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इस चीज की कि ना कुछ भी हो, चाहे हम लोग अपना वर्कआउट जो करना है वो बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हो। मेरा वेट अब बीच में दोबारा से 61 हो गया था, अब मैंने उसको दोबारा 59 कर लिया, तो 4 दिन के अंदर मैंने अपना 1.5 किलो वजन भी कम करा है। और वो चीज मुझे दिख रही है, वो चीज मुझे फील हो रही है, मेरी जितनी भी इंस्टाग्राम की फोटोज है, वीडियोस है, सब पे मुझे कमेंट आ रहा है कि आप मैम पहले से आप बिल्कुल फिट हो गए हो। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि हमारा जितना भी बिजी शेड्यूल हो पर हम लोग बिल्कुल भी वर्कआउट करना मिस नहीं करते। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिम जाऊंगी, बट लेट जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। तो गाइज अभी मैं सारा का सारा सामान मंगवा रही हूँ, जो सामान चाहिए। तूबा की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो पायल कल रात को बिल्कुल नहीं सोई, उसको कॉन्स्टिपेशन की इतनी दिक्कत हो रही है। वो लड़की कल भी फ्रेश नहीं हुई है, उसको लूज दवाई भी पिला दी रात को पर कोई असर नहीं हुआ। और अभी मैंने उसके लिए इससे गोल मंगवा रही हूँ, और साथ ही साथ घर पे ब्रोकली, मशरूम, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, ये सब सारी चीजें खत्म हो गई डाइट के लिए, तो ये सब भी मंगवा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मील की तैयारी हो रही है, तो ये जो मील है ये मेरी मील है सोयाबीन वाली, क्योंकि मैं एवरीडे सोयाबीन वाले जो राइस है वो लेती हूँ। और साथ ही साथ आज घर में बनी है आलू मटर और चावल। आलू मटर चावल जो है वो एक अलग डिश हो जाएगी, और सोयाबीन वाले जो चावल हो गए वो एक अलग डिश हो जाएगी। तो रात को ही ना पाल लेना, रात को नहीं ये सुबह के काम है, सुबह पाल ले मेरे लिए ओवरनाइट जो ओट्स है ना वो बनाकर रखे थे कि ताकि मैं ओवरनाइट ओट्स खा लूँ, बट मैं अभी ओट्स नहीं खा रही क्योंकि मेरा ओट्स खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो पहले मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, कॉफी पीती हूँ, कॉफी पीने के बाद ओट्स खाती हूँ। बट पहले मैं बच्चों को ना पनीर दिखाई थी, बच्चों ने कुछ खाया नहीं रखा, आयान तो वहाँ पे सो रहे हैं पर जैद और तूबा वहाँ जा रहे। तो भाई 4 टुकड़े देखी आई थी बच्चों को, 3 टुकड़े वापस लेके, 1 टुकड़ा दोनों ने मुझे खिला दिया मिलकर, खुद तो कुछ खाया नहीं, तो बच्चों को कुछ और ट्राई करती हूँ। गुड मॉर्निंग, आपकी उठने की हमारी थी चुनने निकला देते तुम्हारे। तो गाइस एक दिक्कत पता है क्या होगी, एक दिक्कत ये होगी कि ना हमारे जो टेंट वाले भैया ना, हमने उनको कॉल करा था, बोला था टेंट लगा दो, उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया कि टेंट नहीं लग पाएगा, क्योंकि कोई रीजन की वजह से ना टेंट उनको मिल नहीं रहा, उनकी डेट्स पहले से थी। फिर हमने 2 जगह और पता करा कि भैया, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 जगह और पता करा टेंट का, तो कह रहे इतने शॉर्ट नोटिस पर आपको अगर टेंट लगवाना होता है तो 2-3 दिन पहले बताना होता है, तो इतने शॉर्ट नोटिस पर लग नहीं पाएगा। और जो हम कल पता करने गए थे उन्होंने मना कर दिया टेंट अवेलेबल नहीं है, तो भाई अभी बड़ी दिक्कत हो रही है टेंट की। बाकी हमने जो हमारे हलवाई वाले भैया उसके उनको बोला है, आप एक काम करो, आपने 2 या 3 टेबल ला दो, ताकि हमने जो खाना बनवाया है फ्रेंच फ्राइज और चाय ना, वो सारी चीजें वहाँ पे अच्छे से अरेंज कर सके। तो कोई बात नहीं, अब टेंट नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते, बट चलो ये चीज अच्छा है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमने पहले से ही ना नीचे बास्केटबॉल ग्राउंड है वो बुक करके रखा। आज तो डांडिया करेंगे हम, ओ डांडिया करेंगे हम, चले इसको इसको एक काम करती हूँ, इसकी डांडे करती हूँ आज। एक से ओ ढोली ताल ढोल बाजे ढोल। किसी तो आता डांडे करने? नहीं भाभी कुछ नहीं आता, आता डांडे करने मेरे को, पालने का था, प्रैक्टिस करेंगे, कोई नहीं नीचे कर लेंगे हैं। हाँ रात को देखेंगे, रात को क्या, शाम का फंक्शन है। हाँ शाम को ही रेडी भी होने, अभी तो मैंने ऑयल लगाया, मुझे हेड वॉश भी करना है, नहाना धोना भी है, आज खुशबू नहीं आई हमारी, तो थोड़ा सा घर का काम है वो भी करवाना पड़ेगा। तो गाइस पायल की भी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रात को वो तूबा के चक्कर में बिल्कुल नहीं सोई, और मैं 2 रात से नहीं सोई थी, तो पायल ने मेरी बिल्कुल भी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी थी, मैंने अपनी जो नींद है वो पूरी कर ली। इसलिए मैंने कहा पायल तू सो जा, 11 बजे के करीब मैं उठी थी, मैंने कहा तू 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे सो जा, क्योंकि तू अगर नहीं सोएगी ना तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। तो अभी यहाँ पे बच्चों को बैठ के परांठा खिला रहे हैं। इस लड़के को बार बार ना लाइट ऑफ ऑन करना बहुत पसंद है, देखो पंखे का, इसे पंखे का रेगुलेटर जो है ना अब वो चलाना सीख ली, अभी रेगुलेटर को ऐसे करके आया, इधर आई हो दो शोर वाला डाइनो, ये ऐसा आता है देखो, ऐसे डाइनो भाई डर गया डाइनो। तूबा के पास डाइनो को सुला रही थी तू, अभी ना मैंने देखा डाइनो को सुला, तू डाइनो दिखाई अपना, आप कैसे सुला रहे थे डाइनो को, सुला के दिखाना कैसे सुला रहे थे, अभी ऐसे करके ना ऐसे कर रही थी डाइनो को, डाइनो के साथ सो जाओ, सुला दो डाइनो को, मेरे साथ भी ना गाइस, मेरे साथ भी सेम,
डाइनो सुला रहे हैं, वहाँ से आए डाइनो को सुलाने के लिए। मेरे साथ भी ऐसे दिख रहे केशव यहाँ पे। हाँ अभी पता चल रहा है। मेरे ने यहाँ पे 3 दिन पहले कुछ लड़ गया था कीड़ा, बड़ा दर्द हो रहा है 3 दिन से। क्या तूबा का भी? हाँ तूबा को भी सेम है, सेम सेम देख यू मेरे जैसे सेम है। हाँ। मुझे लग रहा है बच्चों के बेड पे कोई कीड़ा आ जाता है शायद उसकी वजह से। क्लीन करवाना पड़ेगा, क्लीन निकाल के बाहर दोबारा से। हर तीसरे दिन के बाहर गद्दे निकलते हैं केशव, हर तीसरे दिन। और चादर तो दिन में 2 बार चेंज होती है। देखो कैसे खारिश कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसे खुजली हो रही है ना, इसको हो रही है। काम को तो क्रीम लगा लेती हूँ बेटे, तू खड़ी हुई हूँ, तू कह जो क्रीम बच गई है ना वो मैं लगा लेती हूँ। क्या मैं भी 3 दिन से कोई क्रीम ही लगाई, क्या पता ठीक है। रुको रुको रुको, मैं सबको देती हूँ क्रीम थोड़ी थोड़ी, रुको एक बस सबको दूंगी क्रीम। ये लो आप भी लो। हैप्पी कपड़े पूछ दे पूरा, मेरे को क्रीम लगा रहे। थैंक यू अनु। अब आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ बेटा। तू भी लगा, तू भी लगा मम्मा को। थैंक यू, आप भी लो। तू नहाने से पहले जनी क्रीम लगा लिया चेहरे पे। देख मैंने जैद को बोला, जैद तूबा को दे दो थोड़ी सी। वेरी गुड, दे दो तूबा को। अच्छा ठीक है, आप खुद दे दो, यहाँ से दे दो, आप दे दो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो सोयाबीन की सब्जी है, इसमें मैं सोयाबीन का चूरा भी डालती हूँ, ग्रेन्यूल्स भी डालती हूँ, सोयाबीन भी डालती हूँ। तो ये रेडी हो चुका है, बस अभी मैंने राइस कुकर में राइस चढ़ा दिया, तो इसमें जाएंगे राइस। तो ये हो जाएगी मेरी दोपहर की मील। तो तूबा के लिए इस सब गोल मंगवाया था, वो इस सब गोल भी आ गया है। और मैंने अपने लिए हाई प्रोटीन ओट्स मंगवाए हैं, और साथ में मुझे लगता है मुझे फ्री मिला है ये ब्राउन राइस केक। तो ये पता नहीं कैसे बनता है, कैसे खाते है ब्राउन राइस केक, तो ये भी मैं जरूर ट्राई करूँगी। तो गाइस मैं खाली डब्बा यहाँ से लेकर आई हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ ना, डाइट का सामान एक साइड कर देती हूँ। तो भाई लंच हो गया एकदम डन, मैं सोच रही हूँ फटाफट जाती हूँ और फटाफट शावर लेके आती हूँ, क्योंकि जो हम लोगों को ना जो हमारी नवरात्रि है उसकी सारी की सारी तैयारियाँ भी करनी है, रेडी भी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है, और बहुत सारे काम है। तो हम सबसे पहले मैं और पालिका करेंगे, हम दोनों रेडी हो जाएंगे। क्योंकि रेडी होने के बाद ना हमें पता है कि हमारा मेकअप हो गया, हेयर हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी काम निपटा सकते हैं। तो फटाफट जाती हूँ शावर लेने, क्योंकि पायल भी बस उठ गई है। और आज ना मैंने बहुत दिनों बाद ना 2 रोटी खाई है। मैंने इतना मन करा था, क्योंकि ना 7-8 दिन हो गए थे मैंने रोटी खाना ऑलमोस्ट कम कर दिया था। तो मैंने आज इतना मन भर के रोटी खाई। करेले कल रात को बनाए थे, तो मैंने रात को नहीं खाए थे, बनाए थे बट मेरा मन नहीं किया रात को खाने का। तो मैंने अभी करेले खाए, रोटी खाई, आलू मटर की सब्जी खाई, और अब जाके बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम दिल भर गया है। सुबह शावर हो गया एकदम डन, मैं फटाफट जा रही हूँ नीचे मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आ चुकी है, और मैंने चाहती हूँ मैं लेट हो जाऊँ, और पायल को बोल देती हूँ वो चली जाएगी शावर लेने। तो गाइस आज हम बहुत ही सुंदर सूट पहनने वाले। पहले ना हम लोग लहंगे पहने थे, बट लहंगे में ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो हमने सोचा है काम करते हैं बहुत ही सुंदर से सूट पहनते हैं। तो यहाँ पे भाई 2 सूट है जो हमने मंगवाए थे नूरे लाई से, एक पायल का एक मेरा। हाँ ब्लशर का अंत आ रहा है, तूने ऊपर रखा था, अब कहाँ रखूँ बता। सुन ऊपर रखा था मैंने, ऊपर से ये उतारा। तो गाइस वो सारा सामान हमारा सेट हो गया, ज्वेलरी भी निकाल ली, सूट भी निकाल लिया। तो ये जो डब्बा है ना, ये वाला डब्बा हम लोगों ने बना लिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ना हम एक्स्ट्रा ज्वेलरी रख रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ज्वेलरी कौन सी मैच करेगी, बट सूट तो पता है, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी सूट सब निकाल के रख दिया। तो गाइस भाई मेकअप हो गया स्टार्ट, और बस मेकअप अपना स्टार्ट कराते हैं। तो मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन लगाई थी, तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अप्लाई कर चुकी हूँ। तो भाई मैं 2 घंटे की नींद पूरी करके उठ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ शावर लेने। मेरे फेस से पता लग रहा होगा कि मेरी आंखें सूज गई है। तो मैंने आज ही सोचा आज का फंक्शन खत्म करने के बाद ना कल मैं पूरा दिन रिलैक्स करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि अगर बॉडी ही ठीक नहीं होगी ना तो बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जिम भी नहीं करने वाली हूँ मैं, जिम का सारा वर्कआउट तो नीचे डांडे करते करते हो जाएगा। और हमारे साथ पोपट हो गया, आप सबको पता है पोपट क्या हुआ है, हमारे टेंट वाले भैया थे उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया कि वो नहीं लगा सकते। ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए किसी को, ये बहुत अनप्रोफेशनल काम है, करना नहीं चाहिए। तो अभी जितना जैसे हो पाया वो मैं करती हूँ। तो गाइस मैंने वैसे बहुत ब्यूटीफुल सूट निकाल के रखे थे, फिर मैंने बोला कि यार हम लोग होस्ट कर रहे हैं पार्टी को, और सब लोग यही सोच के आएंगे कि हमने क्या पहना होगा क्या पहना होगा। अब पहला तो हमने वो है कि हमने वो पहले भी पहना हमारे बच्चों की पहली हमारे बच्चे की पहली लोहड़ी पे हमने जो लहंगा पहना था ना वो हमने जस्ट एक ही बार पहना, और वो एज इट इज एक और बड़ा प्यारा सूट पड़ा है। बट फिर वही सूट है जो हमने राखी पहने थे, तू बक्स है वो ताजमहल वाला सूट, वो तो इतने लूज हो गए ना, वो नहीं आएंगे, वो तो पहन नहीं, उसको तो फिटिंग कराना पड़ेगा। वो जैस्मिन के सूट आ रहे पर वो हमारे करवा चौथ के सूट, नहीं वो नहीं पहन सकते हम करवा चौथ के पहनने सूट। तो वहाँ पर और भी ऑप्शन पड़े, एक सूट और है जैस्मिन ने भेजा था व्हाइट कलर का ऑफ व्हाइट, पर वो साथ ना उसका लाइट का। अब देख जो फंक्शन डांडिया का, डांडिया में ज्यादातर लोग लहंगा ही पहनते हैं, तो हम भी सोच रहे हैं लहंगा निकालती हूँ, तो ब्लाउज पहले ट्राई कर ले, आ जाएगा मुझे तो, क्योंकि मैं तो पहले मोटी थी ना पतली हो गई हूँ मैं, मुझे आ जाएगा। हाँ मैं पहले भी पतली थी, पहले भी पतली थी, अब थोड़ी और पतली है। तो एक काम मैं लहंगा निकाल लेती हूँ, सूट दिक्कत तब होती
होती है जब इंसान मोटा हो जाता है, पर मैं पहले मोटे से पतली हुई हूँ, मेरा वेट काफी लूज हुआ है, तो वो लहंगा मेरे को लूज होगा पर टाइट नहीं। तो ऐसा करती हूँ मैं, लहंगा निकाल देती हूँ, मैं लहंगा निकाल के नहाने जाती हूँ, तब तक तू मेकअप का काम कर, पहले नहाने चली, नहाने चली लहंगा निकल जाएगा, जा मुझे टाइम लगेगा ना, घंटा तो लगेगा, ये घंटे वाला मेकअप थोड़ी करवाना है, बाल वाला भी कराना है, 15 मिनट 15 इसका 15 मेरा 30 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गए। लहंगा तो निकाल लिया गाइस मैंने, अब एक लहंगे की कोटी और चुन्नी नहीं है, अब वो ढूंढना ना महाभारत हो जाएगा। तो जब भी मुझे कुछ चीज चाहिए होती ना, वो चीज कभी नहीं मिलती, इसकी कोटी, एक की कोटी और वो मिल गई है चुन्नी, और एक की ना तो कोटी मिली ना चुन्नी मिली। ये वाले लहंगे हमने सिर्फ एक बार पहने थे और इतने ब्यूटीफुल लहंगे, इतने ब्यूटीफुल लहंगे, पर वही है जब नसीब में नहीं है तो नहीं है। बाबू वापस पैक कर दे, तो बांट दिए हमने, हम वापस और भी लहंगे से सब तो बांट दिए, जल्दी बहुत होती ना सामान बांटने की, फैशन कर ले, कोटी की जगह क्रॉप टॉप पहन ले, फैशन मेरे उस पे। हाँ मैं भी पहन लेती हूँ, ग्रीन कलर का एक काम करते हैं, ग्रीन क्रॉप टॉप पहन ले जाना का, चल तो बिल्कुल पागल बना देगी, इसकी फैशन से चलूंगी ना मैं पूरी दुनिया में सबसे गंदी लगूंगी। तो मैं भी तो साथ में पहन रही हूँ। तुझे कितने घंटे हो गए बोलो, अभी तक तेरी आईज भी नहीं हुई है। मेकअप मैं कर रही हूँ, वो कर रहे हैं, मैं तो तेरे लिए उठ के आई हूँ। क्यों मैंने तुम्हें बुलाया? एक तो 3 घंटे से बोल रही हूँ, नहा रही हूँ 3 घंटे से नहाई है, 3 घंटे से नहाई। गाइस इसको इतने कमेंट कर देना, इतने कमेंट कर देना, चीकू वाला ब्लॉग देख के आना एक बार, बस देखा गई ना, देखा गई ना, यही हूँ मैं भी, जा। तो गाइस 2 दिन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पैक दिन और 3 घंटे 8-4 दिन, दो मतलब 2 दिन के अंदर मैं 8 घंटे सोई हूँ, और कल रात ही मैं सोई हूँ सिर्फ कल रात, और कल रात अगर मैं नहीं सोती तो आज शायद मैं डांडिया का फंक्शन और ये मेकअप नहीं करवा रही होती, अगर मैं रात को नहीं सोती तो। इसने अपनी तो बता दी गाइस, और मेरी नहीं बताई इसने, बस यही प्यार है इसका मेरा, यही प्यार है इसका मेरा। ये व्लॉग अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो ये व्लॉग तू भी देख लियो, तेरे बारे में पहले बोल चुकी मैं इस व्लॉग के शुरुआत में, केशव बोलता क्यों नहीं है? हाँ जी भाभी बोला था, भाभी बोला था, चीकू का ब्लॉग देखा है? हाँ मैंने देखा भाभी, मैं साथ ही था, हाँ बोला था इसके लिए कि मैं नहीं चाहती इसकी तबीयत, बोला था भाभी, है वो है कोई बात, सुबह सुबह भाभी ये भी बात सही है, भाभी ने सुबह सुबह बोला था आपको उठाया नहीं, तो मैंने भी अपने ब्लॉग में बात बोली थी कि यार पायल की तबीयत खराब है, सफाई किसको दे रहे हैं, हम कितनी भी सफाई दे ले कमेंट तो फिर भी आएंगे। तो बस गाइस अभी चाय आ चुकी है, चाय पीती हूँ और नहाने जाती हूँ, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। तूबा कलेक्शन लाइव हो चुका है, अंडर 2000 के आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिनको भी ऑर्डर करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, नंबरों पे कॉल करके अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।